हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों को मेरा पिछला ट्यूटोरियल जो कि सम फॉर्मूला के ऊपर था, सम फंक्शन जो एक्सेल के अंदर हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर था, वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वो नहीं देखा है और आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी प्लेलिस्ट एक्सेल फॉर्मूला के ऊपर जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर भी दे दूंगा। आज हम बात करेंगे एवरेज फार्मूला के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें चार एवरेज फंक्शंस देता है। सबसे पहला एवरेज, दूसरा एवरेज ए, तीसरा एवरेज इफ, चौथा एवरेज IFS। एक एक करके हम इन चारों फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। एवरेज आपको पता है क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई भी ये पांच नंबर हैं, इन पांच नंबर का एक एवरेज वैल्यू जो अगर आपको निकालनी होती है, नॉर्मली हम इस फॉर्मूला को कैसे लगाते हैं, जैसे कि अगर हम मैथमेटिकली लगाते हैं तो हम जिस जिस नंबर का एवरेज निकालना होता है उसका सम कर लेते हैं, और जितने नंबर्स का हमने सम किया है हम उन नंबर्स को की वैल्यू से उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमें ये पांचों वैल्यूज का एवरेज निकालना है तो ये पांचों वैल्यूज ये रही, इनका सम ये हो गया 500, और टोटल नंबर कितने हमने ऐड किए हैं 5, तो 500 डिवाइडेड बाई 5 तो ये एवरेज आ गया। जैसे कि मान लीजिए इसको मैं 80 कर देता हूँ, तो 80 करती देखिए इनका सम क्या है 480, और कितने नंबर्स का सम किया है हमने 5 नंबर्स का सम किया है, तो एवरेज वैल्यू कितनी आ गई 96 एवरेज। जैसे मान लीजिए आपने पांच आइटम्स खरीदे और इन आइटम्स का जो प्राइस था, पास्ता 80 रुपीज़, नूडल 100 रुपीज़, चाउमिन 100 रुपीज़, मोमोज 100 रुपीज़, डोसा 100 रुपीज़, तो आप ये जानना चाहते हैं कि एवरेज पर प्रोडक्ट मैंने उसको एक कॉमन अमाउंट कितना दिया। तो उसके लिए आप क्या करो, सारे नंबर्स का सम कर लो और जितने नंबर्स का आपने सम किया है उनसे उसको डिवाइड कर दो, तो आपकी एवरेज वैल्यू निकल जाती है। ये तो मैनुअल तरीका हो गया। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, एवरेज फार्मूला है। एवरेज फार्मूला के अंदर आपको ऐड करके फिर डिवाइड करके इंडिविजुअली ये काम नहीं करना पड़ता है, ये काम हमें वो एवरेज फार्मूला करके दे देता है। कैसे, हम लगाएंगे इक्वल्स टू एवरेज, AVERAGE। जैसे ही आप लिखेंगे देखिए नीचे एवरेज लिखा हुआ आ गया। अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो टैब जैसे ही आप दबाएंगे वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको वो रेंज देनी है जिस रेंज को आप ऐड करना चाहते हो, और जैसे ही आप एंटर मारोगे देखो 96 आ गया। अगर मैं इसको भी 100 कर दूं समझने के लिए तो 100 आ गया, क्यों, 500 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका एवरेज आ गया 100। ठीक है, इसी तरीके से एवरेज ए फॉर्मूला भी सेम यही, अगर आप इसको लगा लो पहले एवरेज ए फॉर्मूला को भी, तो एवरेज ए और वो रेंज दे दो आप जिस रेंज को आप निकालना चाहते हो, ये भी देखो 100 आ गया। तो आप सोचो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एवरेज भी वही दे रहा है, एवरेज ए भी वही दे रहा है, पर यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। तो छोटा सा ट्विस्ट क्या है, सपोज करो आपने पांच प्रोडक्ट खरीदे और इसमें आपको चाउमीन फ्री मिल गई, हमने यहाँ पे फ्री लिख दिया वैल्यू की जगह। ठीक है, तो आप जब एवरेज फार्मूला देख रहे हो, एवरेज फार्मूला क्या करता है कि जितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज को उसने जोड़ा है, सपोज करो इसने अब कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज को जोड़ा है, 1 2, इसको जोड़ा नहीं होगा, 3 4, 4 न्यूमेरिकल वैल्यूज को जोड़ा है, तो ये 400, और उसने डिवाइडेड बाई 4 किया तो वापस उसका क्या आया, 100 आ गया। पर एवरेज ए, ए फॉर ऑल, कि जितने नंबर्स को हमने जोड़ा है, इन हमने पांच नंबर्स की रेंज दी थी, तो डिवाइड बाई 5 ही करेगा। भले ही आपको चाउमीन फ्री मिली हो पर आपका जो एवरेज है पांचों प्रोडक्ट का वो तो 80 रुपीज आ गया ना पर प्लेट, आपने उसको भले ही फ्री हो या जीरो हो आपको 80 रुपीज पर प्लेट आ गया। तो एवरेज ये फॉर्मूला क्या करता है कि अगर बीच में कोई नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज भी है तो उसको काउंट करता है डिवाइड करते टाइम, ऐड तो करेगा नहीं क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज तो है नहीं, पर जब डिवाइड करोगे तो वो उस नंबर को उस सेल को भी काउंट करेगा। आप क्लियर हो गए, आपको एवरेज फॉर्मूला उसको काउंट नहीं करेगा, उसने क्या किया 400 बाई 4 किया, इसने क्या किया 400 बाई 4 किया, पर इसने क्या किया 400 बाई 5 किया, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जिसमें वो वैल्यू थी जो रेंज थी वो तो 5 ही थी। तो अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो कि भाई मेरा जो डिवाइड हो वो टोटल नंबर्स में से हो भले ही उसमें नॉन जीरो वैल्यू लिखी हुई है, तो आप एवरेज ए फॉर्मूला का यूज करेंगे। और आप चाहते हो कि नहीं भाई जितने नंबर्स को हमने सम किया है केवल उसी का एवरेज निकालना है, तो आप सिंपली एवरेज फार्मूला को यूज कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक आता है एवरेज इफ, ये कंडीशनल एवरेज निकालने के लिए होता है। कंडीशनल मतलब सपोज करिए एक मैंने यहाँ पे डमी डाटा ले रखा है, ये एक स्कूल का डाटा है कि ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये ईयर में जिसमें बच्चे पढ़ते हैं बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, और उनके नंबर ऑफ पास स्टूडेंट की इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर में बॉयज कितने पास हुए, 21 बॉयज पास हुए, तो हमें इनका एक
डाटा निकालना है, एवरेज निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो पास हुए हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट के हों, किसी भी ईयर के हों, उनका एवरेज क्या है। तो वो कैसे निकालोगे, क्योंकि इसमें बॉयज का भी डाटा है, गर्ल्स का भी डाटा है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको। एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, इसकी आप सॉर्टिंग कर लो, जैसे सारे बॉयज एक साथ, सारे गर्ल्स एक साथ, फिर इनका एवरेज निकाल लो आप यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ से इसका एवरेज निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इज इक्वल्स टू एवरेज, और आपने ये रेंज दे दी बॉयज वाली, यहाँ पे ये रेंज सेलेक्ट करके दे दी, उसने निकाल दिया। एक तरीका तो ये है। अब इससे आपको क्या होगा कि पहले आपको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, डिस्टर्ब करना पड़ेगा। हम अगर ये नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि हम सॉर्टिंग करें, हमारा अनसॉर्टेड ही है, पर इसमें हम भी चाहते हैं कि बॉयज का निकल जाए, तो उसके लिए एवरेज इफ फॉर्मूला होता है। एवरेज इफ फॉर्मूला क्या कहता है कि आप एवरेज इफ, वो कहता है कि आप किस रेंज में से फिल्टर करना चाहते हो डाटा को। हमने कहा इस वाली रेंज में से डाटा को फिल्टर करो, कॉमा लगा के किसको फिल्टर करके एक साथ निकाल लो, केवल बॉयज को। आप वो फील्ड का नाम दे दो, हमें बॉयज इस पूरी रेंज में से केवल बॉयज को ऐड करना है, बॉयज का एवरेज निकालना है, कॉमा करके जब बॉयज का निकालेंगे तो जोड़ना किसको है, ये वाली वैल्यूज उसको जोड़नी है, ठीक है, क्लियर है। आप एंटर करो, देखो उसने एवरेज निकाल दिया केवल बॉयज का। इससे पहले भी देखो आप, हमने निकाला था जब बॉयज का एवरेज, तो सेम आया था, क्लियर है आपको। तो ये एवरेज फॉर्मूला इसीलिए यूज होता है कि आप कंडीशनल एवरेज निकालना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारी वैल्यूज है, उसमें से कुछ एक क्वेरी आप चला के कि मुझे बॉयज का निकालना है, गर्ल्स का निकालना है, या पर्टिकुलर इसी कंडीशन का निकालना है, तो आप एवरेज फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये तो एवरेज फॉर्मूला यूज होता है कि केवल आप बॉयज का निकालना चाहते हो। अब मैं चाहता हूं कि सेकेंड ईयर के हर बॉय का निकालूं बस, क्योंकि बॉयज फर्स्ट ईयर में भी हैं, सेकेंड ईयर में भी हैं, थर्ड ईयर में भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि केवल सेकेंड ईयर के जितने बॉयज हैं उनका एवरेज निकालना है। तो आप एवरेज इफ तो लगा नहीं सकते, क्योंकि इसमें आप एक ही कंडीशन दे सकते हो, या तो आप बॉयज के लिए कंडीशन लगाओगे या सेकेंड ईयर के लिए लगाओगे। आपको एक से ज्यादा कंडीशन लगानी है, तो उसके लिए हमें होता है एवरेज आई एफ एस, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। एवरेज आई एफ एस फॉर्मूला का क्या यूज है कि आप एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको देना पड़ता है जिस एवरेज का, जिस रेंज का आपका एवरेज निकालना है, कॉमा करके कंडीशन क्राइटेरिया वन। क्राइटेरिया वन हमारा ये है, और इसमें क्राइटेरिया क्या होगा हमारा कि सेकेंड ईयर के बच्चों का निकालना है। दूसरा फिर क्राइटेरिया ये वाला है हमारा, जो क्राइटेरिया की रेंज है, ये वाली हमारी क्राइटेरिया की रेंज है, और इसमें हमारा क्राइटेरिया क्या है, एक मिनट, ये सिलेक्ट नहीं हो पाया, ये क्राइटेरिया की रेंज है, इसका क्राइटेरिया क्या है, बॉयज, ठीक है, आप समझ गए। सबसे पहले आपको रेंज देनी है जिसका एवरेज निकालना है, दूसरा में आपको वो पहली क्राइटेरिया जिसको आप देनी है, हमारा पहला क्राइटेरिया ईयर का था, उसमें से क्या क्राइटेरिया है, सेकेंड के बच्चे निकालने हैं सेकेंड ईयर के। फिर अगला क्राइटेरिया का जो रेंज है हमारा ये है बॉयज गर्ल्स वाला, इसमें से बॉयज का निकालना है, और जैसे आप एंटर करोगे देखो उसने एवरेज निकाल दिया, जो सेकेंड ईयर के बॉयज हैं उनका एवरेज निकाल दिया इसने, ठीक है। आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो एक बार, तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। हम इसको सॉर्टिंग कर लेते हैं एक बार। सॉर्टिंग करने के लिए हमें कंस्ट्रक्ट फिल्टर में जाएंगे, हमें सबसे पहले सॉर्टिंग करनी है डिपार्टमेंट नेम पे, फिर एड लेवल, फिर हमें करनी है बॉयज गर्ल्स पे। ओके किया हमने, तो आप देखो डिपार्टमेंट नेम पे नहीं करनी थी, हमें करनी थी ईयर के ऊपर, तो हमें डिपार्टमेंट नेम की जगह ईयर के ऊपर सॉर्टिंग करनी है। तो ये देखो सेकेंड ईयर के बॉयज ये हैं सेकेंड ईयर के बॉयज, तो इनका एवरेज निकालने, अगर हम ये एवरेज निकालना है तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम एवरेज निकाल सकते हैं, नॉर्मल एवरेज, और ये रेंज दे दी हमने, यस कर दो, ठीक है ना। तो ये सेकेंड ईयर के बॉयज का एवरेज अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, तो सेकेंड ईयर के बॉयज का निकाला था, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, सेकेंड ईयर बॉयज का अगर हम निकालेंगे तो ओके। ये बेसिकली क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉर्टिंग कर दी ना, हमने इस सेल का नंबर दिया था, तो इसने इस सेल में फर्स्ट आ गया, तो फर्स्ट के बॉयज का निकाल रहा है। देखो अगर हम यहाँ पे इसको चेक करना चाहें तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट के बॉयज का, तो हम अगर इसको चेक करते हैं यहाँ पे देते हैं एवरेज, तो ये वाली रेंज देनी पड़ेगी। बेसिकली आप समझ गए होंगे कि कहाँ दिक्कत हो रही थी। देखो जब हमने वाला फॉर्मूला यूज किया था तो हमने जो ये वाली रेंज दी थी, तो
इस रेंज में हमने देखो ये दे रखा है D4, तो D4 में फर्स्ट लिख के आ गया। पहले सेकंड लिखा था तो सेकंड ईयर का उसका दिखा रहा था, अब यहाँ पे D4 में फर्स्ट लिखा हुआ है। जब मैंने सॉर्टिंग की है तो सॉर्टिंग की है तो फर्स्ट लिखा हो गया, तो फर्स्ट ईयर के बॉयज का वो एवरेज निकाल के दे रहा है, क्योंकि हमने सॉर्टिंग की तो वो वैल्यू चेंज होगी ना वहाँ पे, तो वो फर्स्ट यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू उठा रहा है, तो वो फर्स्ट ईयर के बॉयज का डाटा निकाल के दिखा रहा है। तो 25.5 25.5, तो ये एवरेज IFS होता है। तो इसके लिए एवरेज IFS में क्या है कि आपको सॉर्टिंग, जैसे मुझे भी सॉर्टिंग करके नॉर्मल तरीके से एवरेज निकालना पड़ा, वो करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि सीधे एवरेज IFS फॉर्मूला लगाएंगे तो आपकी वो एवरेज निकाल के दे देगा। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। और अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर, एक्सेल में फॉर्मूला के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और हम एक गिव अवे भी शुरू कर रहे हैं, अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो आप उसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसमें हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा प्राइज रखा है, ब्लूटूथ हेडफोन का। अगर आप उसे जीतते हैं तो ब्लूटूथ आपका हेडफोन आपको कूरियर किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसके अंदर भी जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और आपको एक चांस मिलेगा ब्लूटूथ हेडसेट जीतने का। और आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और हमारे वीडियोस देखते रहें। हमें 1,000 सब्सक्राइबर अभी हमारे पहुंचे नहीं हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का प्यार मिलेगा, तो बहुत ही जल्दी हम 1,000 सब्सक्राइबर तक भी पहुंच जाएंगे। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू।